अंडरशर्ट हमारी चेस्ट के लिए अंडरवेयर का काम करती है। हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आई एम अंकित। सो फॉर टुडेज वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अंडरशर्ट गाइड, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि हम लोग पूछने से डरते हैं रिलेटेड टू अंडरशर्ट, कौन सी हमें कब पहननी चाहिए, कितने तरीके की होती है, किस में क्या अंतर होता है एंड मैनी मोर। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, लाइक टारगेट रखता है 1000 लाइक्स का, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, कमेंट करके बताइए मुझे कैंकी टीवी देखना आपको क्यों पसंद है, जिससे कि मैं आपका नाम वीडियो के एंड में फ्लैश कर दूं। एंड या लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वैसे तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है कि कितने तरीके की अंडरशर्ट होती है, अंडरशर्ट गाइड के ऊपर, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, बट फिर भी आई विल गिव अ क्विक रीकैप। सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाई वी नीड टू वेयर एन अंडरशर्ट, ये दिखती नहीं है फिर भी हमें पहनने की क्या जरूरत है। वेल, जैसे हमारा अंडरवेयर नहीं दिखता है लेकिन हम उसके बिना अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते हैं, वो हमारे बॉल्स को प्रॉपरली सपोर्ट करता है, हमें एवरीडे फंक्शन करने में काफी हेल्प करता है। सिमिलरली आपकी चेस्ट को भी प्रॉपर सपोर्ट की जरूरत होती है, तो इसीलिए हमें अंडरशर्ट पहननी चाहिए। जो हमारी बॉडी में पसीना आता है और उसके ऊपर जो हम लोग एक्सपेंसिव कपड़े पहनते हैं उसके बीच में अंडरशर्ट एक लेयर का काम करती है, जिससे कि हमारे कपड़े डैमेज होने से बचें, पसीने के स्टेन्स को भी बचाता है, सो इसलिए हमें अंडरशर्ट पहननी चाहिए। आप देखते हैं कि कितने तरीके के अंडरशर्ट अवेलेबल है मार्केट में। सो फर्स्ट काइंड ऑफ अंडरशर्ट्स आर दीस टैंक टॉप, जिनको हम लोग हिंदी में बनियान भी बोलते हैं। आई थिंक काफी सारे लोग इसको जानते होंगे, काफी सारे लोग पहनते भी होंगे, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होती है, बट इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपके पूरे हैंड को कवर नहीं करती है, यानी कि अगर आपको बहुत ज्यादा स्वेट आता है तो उसको अच्छे से अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा और हमारा कपड़ा भी खराब हो जाता है, बट अदर देन दैट ये होती बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। नेक्स्ट आर क्रू नेक अंडरशर्ट, जो कि राउंड नेक की होती है, ये सिमिलर टू राउंड नेक टी शर्ट की तरह होती है, बट ये थोड़ी सी टाइट होती है, बॉडी हगिंग होती है, अब क्योंकि इसमें जो स्लीव्स होती है वो पूरी टी शर्ट की तरह होती है, तो अगर आपको बहुत ज्यादा पसीना आता है तो उसको पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर लेता है, बट इसमें एक प्रॉब्लम होती है कि जब आप शर्ट पहनते हैं तो उसमें से ये विजिबल हो जाती है। नेक्स्ट काइंड ऑफ अंडरशर्ट्स आर वी नेक की अंडरशर्ट, इसमें अंतर बस ये होता है कि इसमें राउंड नेक की जगह वी नेक होता है, अदर देन दैट ये बिल्कुल अच्छी होती हैं, इनफैक्ट इसमें भी पसीना अब्सॉर्ब हो जाता है आपका प्रॉपर्ली, और अगर इसके ऊपर आप शर्ट पहनते हैं तो वो भी वो विजिबल नहीं होती है, सो आई थिंक इस टाइप की अंडरशर्ट सबसे ज्यादा बेटर होती है। नेक्स्ट काइंड ऑफ अंडरशर्ट्स आर एथलेटिक अंडरशर्ट्स, जो कि पॉलिएस्टर एंड सिंथेटिक मटेरियल के कपड़ों की बनी होती है, विच आर स्पेशली मेड फॉर जिम वियर, क्योंकि जिम में बहुत ज्यादा पसीना आता है और आपके वर्कआउट को स्मूथ बनाने में काफी हेल्प करती है क्योंकि कपड़ा बहुत ज्यादा लाइट होता है। अब चलते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस की तरफ जो कि हमारे मन में आते हैं रिलेटेड टू अंडरशर्ट। पहला क्वेश्चन है विच मटेरियल इज गुड फॉर अंडरशर्ट। वेल, 100% कॉटन की अंडरशर्ट आप पहन सकते हैं, पसीना बहुत जल्दी से अब्सॉर्ब करती है, या तो फिर आप कॉटन प्लस पॉलिएस्टर मिक्स मटेरियल के अंडरशर्ट पहन सकते हैं। जब आप अंडरशर्ट खरीदते हैं तो उसमें वहां लिखा होता है कि कौन से मटेरियल की बनी हुई है, सो मेक श्योर आप एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच साइज वी शुड वेयर। वेल, आई वुड सजेस्ट कि जिस साइज की आप टी शर्ट पहनते हैं उसी साइज का आप अंडरशर्ट भी पहनिए, क्योंकि जो अंडरशर्ट होती है वो ऑलरेडी बॉडी हगिंग होती है, आपके रेगुलर कपड़ों के साइज से थोड़ी सी वो टाइट ऑलरेडी होती है, तो अगर आप एक साइज छोटा पहन लेंगे तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो सकता है, बट अगर आपके मैन बूब्स की प्रॉब्लम है, आपकी चेस्ट बहुत ज्यादा हैवी है और तो उसको एक प्रॉपर शेप देने के लिए आप एक साइज छोटा पहन सकते हैं, बट यूजली अगर आप मीडियम साइज की टी शर्ट पहन रहे हैं तो मीडियम साइज का ही अंडरशर्ट आपको चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन वी वेयर एन अंडरशर्ट अलोन। वेल, आई वुड सजेस्ट कि आप ना ही पहने तो बेटर है, क्योंकि इनका जो कपड़ा होता है वो नॉर्मल टी शर्ट से थोड़ा सा पतला होता है, तो अगर आप इसको ऐसे एज ए टी शर्ट पहनेंगे तो ये बहुत खराब लगने वाली है, पसीना आ जाएगा तो उसकी लेयर जो बन जाती है पसीने की वो बहुत खराब दिखती है, तो अंडरशर्ट को आप एज ए टी शर्ट मत पहनिए। घर में आप पहन सकते हैं, घर में इनफैक्ट बहुत ज्यादा कलरफुल और बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न के टैंक टॉप्स आने लगे हैं, विच यू कैन वेयर एट होम, दैट विल लुक स्टाइलिश एंड कूल ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगर हमारा कलर जो है वो डार्क है तो हमें कौन से कलर के अंडरशर्ट पहननी चाहिए। वेल, आई वुड सजेस्ट एकदम व्हाइट कलर के अंडरशर्ट या फिर एकदम डार्क कलर के अंडरशर्ट आप मत पहनिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा विजिबल हो जाता है। ये तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉमन है, व्हाइट शर्ट में से व्हाइट टैंक टॉप दिखता है या फिर व्हाइट अंडरशर्ट जो हमें पहनी होती है वो दिखती है, उसको कैसे रोके, आप लाइट ग्रे कलर का टैंक टॉप पहन लीजिए। लाइट ग्रे जो कलर होता है वो व्हाइट के ऊपर अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, तो अगर आपने व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई है तो ग्रे कलर का जो टैंक टॉप आपने पहना हुआ वो बिल्कुल भी विजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अंडरशर्ट में बहुत ज्यादा छेद हो जाते हैं बहुत जल्दी, वो डैमेज हो जाते हैं, उनको बचाने के लिए हम क्या करें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अंडरशर्ट का जो कपड़ा होता है वो बहुत ज्यादा पतला होता है, नॉर्मल टी शर्ट की तरह नहीं होता है, जिसको हम लोग एवरीडे ऐसे भी धो लेते हैं, तो इनको हमको बहुत ज्यादा सेफ्टी से और बहुत ही प्रिकॉशन से धोना चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इनको रेगुलर कपड़ों के साथ मत धोइए, आप कोई भी जिपलॉक बैग ले लीजिए, उसमें सारे अंडरशर्ट और अंडरवेयर एक साथ आप डाल दीजिए एंड देन वॉश इट इन योर मशीन, और इनको आपको नील में कभी भी नहीं डालना है क्योंकि नील से ये बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है, और इनको बहुत ज्यादा हार्श सनलाइट में आप मत सुखाइए, बालकनी में या फिर जहां पे सनलाइट बहुत कम आती है वहां पे आप सुखा सकते हैं, इससे कपड़ा जल्दी से डैमेज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू स्टाइल एन अंडरशर्ट।
वेल यू कैन स्टाइल इट, जैसे कि ये टैंक टॉप है आप इसको पहन सकते हैं, उसके ऊपर आप शर्ट ओपन करके पहन सकते हैं, इट विल लुक स्टाइलिश। दिस इज हाउ आई डू यूजली इन समर्स, क्योंकि समर्स में हम शर्ट में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो मैं टैंक टॉप पहन लेता हूँ और इसके ऊपर शर्ट पहनता हूँ तो बटन ओपन करके पहन लेता हूँ, दैट लुक्स अमेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेन वी शुड नॉट वियर एन अंडर शर्ट, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है तो मैं इसका आपको बहुत ही सिंपल सा आंसर देता हूँ। जब हम कॉटन की टी शर्ट पहनते हैं हाफ नेक की, तब हमें अंडरशर्ट नहीं पहननी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। अगर हम उसके नीचे टैंक टॉप पहनते हैं तो उसमें से साइड में जो स्ट्रैप दिखता है बनियान का वो खराब दिखता है, एंड अगर हम राउंड नेक या वी नेक की पहनेंगे तो स्लीव्स में से नीचे से विजिबल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इनफैक्ट जो कॉटन की टी शर्ट होती है वो खुद ही एक तरह से अंडरशर्ट का काम करती है, क्योंकि वो कॉटन होता है, स्वेट को भी अब्जॉर्ब कर लेता है, तो उस टाइम पे आपको अंडरशर्ट अवॉइड करनी चाहिए। सो गाइस ये थे कुछ ऐसे क्वेश्चंस, कुछ अंडरशर्ट से रिलेटेड अनसुनी बातें जो कि मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। मेरे पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी इस वीडियो को लेकर के, सो आई थॉट कि फाइनली वी शुड डू इट, एंड या मैंने सारे क्वेश्चंस कवर करे हैं, सारे टॉपिक्स कवर करे हैं, सारी चीज़ें कवर करी हैं। स्टिल यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू अंडरशर्ट, कमेंट डाउन बिलो, आई विल ट्राई टू कवर इट इन नेक्स्ट वीडियो। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, इफ यू डिड लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव दिस वीडियो अ लाइक, टू सब्सक्राइब, फॉलो मी इन माय इंस्टाग्राम, शेयर विद द फ्रेंड्स, एंड आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।